दोस्तों आईपीएल के 59वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 31 रन से हरा दिया। जी हां दोस्तों, दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आमने सामने हुई थी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वॉर्नर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी और मैच को खो दी। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। उसके 12 मैचों में 8 अंक हैं, वह अगर अपने बाकी बचे दोनों मैचों को जीत भी लेता है तो उसके 12 अंक ही होंगे, ऐसे में वह अगले दौर में नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए दोस्तों नजर डालते हैं पंजाब की जीत के बाद आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों नंबर 1 पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जो 12 मुकाबले में 8 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं और पॉइंट्स टेबल में 16 अंक प्राप्त हैं। वहीं नंबर 2 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जो 12 मुकाबले में 7 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं और एक मैच बारिश के चलते रद्द हुआ है और पॉइंट्स टेबल में 15 अंक प्राप्त हैं। वहीं नंबर 3 पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो 12 मुकाबले में 7 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं और उनके पॉइंट्स टेबल में 14 अंक प्राप्त हैं। वहीं नंबर 4 पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम है, जो 12 मुकाबले में 6 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं और एक मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ है और उनके पॉइंट्स टेबल में 13 अंक प्राप्त हैं। वहीं दोस्तों नंबर 5 पर राजस्थान की टीम है, जो 12 मुकाबले में 6 मैच जीते हैं और 6 मैच हारे हैं और उनके पॉइंट्स टेबल में 12 अंक प्राप्त हैं। वहीं नंबर 6 पर पंजाब की टीम है, जो 12 मुकाबले में 6 मैच जीते हैं और 6 मैच हारे हैं और उनके पॉइंट्स टेबल में 12 अंक प्राप्त हैं। वहीं नंबर 7 पर आरसीबी की टीम है, जो 11 मुकाबले में 5 मैच जीते हैं और 6 मैच हारे हैं और उनके पॉइंट्स टेबल में 10 अंक प्राप्त हैं। वहीं दोस्तों नंबर 8 पर केकेआर की टीम है, जो 12 मुकाबले में 5 मैच जीते हैं और 7 मैच हारे हैं और उनके पॉइंट्स टेबल में 10 अंक प्राप्त हैं। वहीं नंबर 9 पर हैदराबाद की टीम है, जो 11 मुकाबले में 4 मैच जीते हैं और 7 मैच हारे हैं और उनके पॉइंट्स टेबल में 8 अंक प्राप्त हैं। वहीं नंबर 10 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो 12 मुकाबले में 4 मैच जीते हैं और 8 मैच हारे हैं और उनके पॉइंट्स टेबल में 8 अंक प्राप्त हैं। इसके साथ ही दोस्तों पॉइंट्स टेबल समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।